वेलकम बैक दोस्तों, इस मूवी की रिक्वेस्ट करने वाले हैं शर्मिता सरकार, तो इनके लिए एक लाइक कर दीजिए। मूवी का नाम है द फाइनल विश। मूवी 2018 में रिलीज हुई और ये एक मिस्ट्री हॉरर मूवी है। मूवी के डायरेक्टर है टिमोटी वुडवर्ड जूनियर और लीडिंग कास्ट है लिंशे, माइकल वेल्च, मेलिसा बुलोना, स्पेंसर लोकी, टोनी टॉड। तो मूवी मुझे कुछ खास नहीं लगी, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन मुझे बहुत पसंद आया। तो एक्चुअली ऐसे ही कॉन्सेप्ट में बहुत सारी मूवीज पहले भी आ चुकी है। जब मैं ये मूवी देख रहा था तो मुझे एक मूवी की याद आई जिसमें एक लड़की का फादर जंक में एक मिस्टीरियस आइटम को फाइंड आउट करता है और वो अपने घर लाता है और वो लड़की उस बॉक्स से कुछ विश मांगती रहती है और वो पूरे भी होते रहते हैं, लेकिन उसके बदले वो बॉक्स उनकी जाने लेता है। तो उस मूवी का नाम मुझे ठीक सरह से याद नहीं आ रहा है। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं वो मूवी फिर से देखना चाहूंगा। तो सेम उस मूवी की तरह ही ये मूवी है द फाइनल विश। तो कुछ लोगों को इसका एंडिंग कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने इस मूवी को चूज किया। तो चलिए मूवी स्टार्ट कर देते हैं। और उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी कीजिए। तो मूवी के शुरुआत में ही लेनेट का बॉयफ्रेंड लेनेट को उसके घर छोड़ता है और लेनेट अपने घर के अंदर एंटर होती है और कुछ ही देर में उसको कुछ आहट सुनाई देती है। वो जाके देखती है और लेनेट वो नजारा देखकर घबरा जाती है, यानी उसकी माँ दो टुकड़ों में बटी हुई होती है जैसे कोई उसको काटा हो। लेनेट घबरा के पीछे हटने लगती है कि तभी लेनेट का फादर विलियम तलवार लेकर वहाँ पर आ जाता है और लेनेट घबरा कर नीचे गिर जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज फादर प्लीज। यहाँ पर सीन कट होता है। उसके बाद हीरो का इंट्रोडक्शन होता है। हीरो का नाम होता है एरॉन। तो ये एक इंटरव्यू के लिए आया हुआ होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर एरॉन अपनी लॉ की डिग्री खत्म कर चुका होता है और इसे एक लायर बनना है, इसी के लिए वो इंटरव्यू देता रहता है यानी। लेकिन अपना गुजारा करने के लिए ये फिलहाल एक कॉफी शॉप में वर्क कर रहा होता है और दरमियान में इंटरव्यूज भी अटेंड करता रहता है। तो एरॉन को यहाँ पर एक ऐब है, यानी इसका एक होंठ थोड़ा बहुत कटा हुआ होता है। ऐसे एरॉन वहाँ पर अपना बेस्ट देता है, लेकिन जो इंटरव्यू कर रही औरत शायद उसकी लिप्स की वजह से वो एरॉन को सेलेक्ट नहीं करती। और वहाँ से एरॉन अपने अपार्टमेंट आता है, लेकिन उसका अपार्टमेंट का दरवाजा ओपन नहीं होता क्योंकि उसका ओनर वो दरवाजा लॉक कर चुका होता है, क्योंकि एरॉन उस अपार्टमेंट का रेंट पे नहीं किया होता। और उस अपार्टमेंट का ओनर आकर एरॉन से कहता है, पहले तुम $3,000 पे करो तब तुम रूम में एंटर हो। वो सुन के एरॉन वहीं पर अपसेट सा बैठ जाता है कि तभी लिसा का कॉल आता है। लिसा इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वो कहती है तुम्हारे फादर की डेथ हो गई, तुमको आना होगा। वो सुनने के बाद एरॉन शिकागो से अपने गांव जाता है। एरॉन वहां जाने के बाद एड्स का कुत्ता पैडिंगटन उस पर भौंकने लगता है और एड्स एरॉन से कहता है, ये कुत्ता तो तुम्हारे माँ की हिफाजत के लिए ही है, जो कोई भी नया इंसान आता है उस पर भौंकने लगता है और तुम तो यहाँ पर बहुत सालों बाद आए हो इसीलिए ये तुम्हारे पर भौंकने लगा। और यहाँ पर इसके फ्रेंड्स, इसके माँ बाप और इसके पड़ोसी यही समझते हैं कि एरॉन एक बड़ा लायर है। उसके बाद एरॉन अपने घर के अंदर एंटर होता है, अपनी माँ से मिलता है और उसकी माँ उसका हालचाल पूछती है और कुछ खाने को देती है। एरॉन की माँ कहती है, जब तुम्हारे फादर जिंदा थे तब तुम पर बहुत प्राउड फील करते थे कि तुम एक अच्छे लायर बन चुके हो और तुम एक वेल सेटल्ड हो। लेकिन एरॉन ये सब सुनने के बाद भी अपनी माँ को सच नहीं कहता कि वो एक कॉफी शॉप में वर्क कर रहा है और उसको अभी तक जॉब नहीं मिली। एरॉन की माँ अपने हस्बैंड को बहुत मिस करती रहती है और एरॉन के फादर के फ्यूनरल के दिन लिसा भी आई हुई होती है और इन दोनों के बीच कुछ बातें होती है और उन्हीं बातों में लिसा कहती है, जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो मैंने तुम्हारे माँ का ख्याल रखा, तुम्हारे फादर का ख्याल रखा और तुमने इतनों दिनों में एक फोन तक भी नहीं किया। उसकी बातें सुनने के बाद एरॉन भी थोड़ा बहुत अफसोस करता है। और दूसरे दिन सुबह एरॉन अपने फादर के सारी चीजें बाहर लाके रखता है, यानी सेल पे रखता है। एरॉन के फादर एक एंटीक पीस का बिजनेस करते थे। अब चूंकि एरॉन को $3,000 चाहिए थे उसके अपार्टमेंट का रेंट पे करने के लिए, उसी के लिए जो पुराने चीजें होते हैं वो बाहर सेल पे रखा हुआ होता है और उसी में उसके फादर की थोड़ी जगह भी होती है, वो उसको भी बेचने की सोचता है कि तभी वहाँ पर एरॉन का फ्रेंड टैरन आ जाता है। लिसा टैरन को देखकर वहाँ से चली जाती है। एरॉन टैरन से कहता है, ये क्या है? तो टैरन कहता है, मेरे और उसके हस्बैंड के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा चलता रहता है और ये लड़ाई लिसा को लेकर ही है। कि तभी एरॉन की माँ वहाँ पर आ जाती है और एरॉन पर चिल्लाने लगती है, किसने कहा था तुमको ये सब करने के लिए? ये सारी चीजें तुम्हारे फादर की निशानी है और तुम अपने फायदे के लिए ये सारी चीजें बेचना चाहते हो, इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो। और एरॉन कहता है, मैं इन पुरानी चीजों का तुम क्या करोगी? और मैं सिर्फ घर को क्लीन कर रहा हूँ बस।
और अरुण की माँ अरुण को डांटने लगती है, तुम अभी के अभी ये सारी चीजें घर में रखो, जो जहाँ पर था वही पर रख दो। और वही एंटिक में से अरुण को ये चीज दिखती है, यानी एक अर्न, उसका मतलब कलश। अरुण उस कलश को ऑनलाइन में बेचने की सोचता है कि तभी उसका टैबलेट की स्क्रीन फ्लिकर होने लगती है और झटके से उसका टैबलेट स्विच ऑफ हो जाता है। और अरुण वहां से फ्रेश एयर लेने के लिए घर से बाहर आता है तो उसके घर के बाहर एक इंसान दिखता है। अरुण उस आदमी को आवाज लगाता है, कौन हो तुम? और वो आदमी और कोई नहीं, उसका बचपन का फ्रेंड जर्मी होता है। जर्मी अरुण से शिकायत करता है, तुम शहर आए, मुझे एक कॉल तक भी नहीं किया। और ये दोनों स्मोक करने के लिए अरुण के रूम में जाते हैं। वहीं पर अरुण जर्मी को सच बताता है कि मैं कोई एक सक्सेसफुल आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक कॉफी शॉप में काम कर रहा हूँ। कि तभी जर्मी की नज़र उस कलश पर पड़ती है और अरुण से उस कलश के बारे में पूछता है। और अरुण जर्मी से कहता है, पता नहीं ये क्या है, मेरे फादर की शॉप में थी। और वहाँ से वो दोनों ड्रिंक पीने के लिए एक होटल आते हैं। और उसी बातों ही बातों में जर्मी अरुण से कहता है, लिसा का हस्बैंड डेरिक लिसा को मारता रहता है और लिसा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि डेरिक एक कॉप है। और कुछ बातें होने के बाद जर्मी वॉशरूम जाता है कि तभी वहाँ पर डेरिक आ जाता है और अरुण को पहचान लेता है। तो एक्चुअली ये सारे लोग एक ही कॉलेज के हैं और डेरिक अरुण से कुछ बदतमीजी से पेश आता है। वो होने के बाद अरुण अपने घर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में एक शॉप के पास रोकता है ड्रिंक लेने के लिए। और अरुण उसी शॉप से अपना लक चेक करने के लिए एक स्क्रैच कार्ड लेता है और उस कार्ड को स्क्रैच करता है, लेकिन उसको घंटा कुछ भी नहीं मिलता। और फिर से अपना लक चेक करने के लिए और एक स्क्रैच कार्ड लेता है और उसे स्क्रैच करता है, लेकिन इस बार उसने $5,000 जीत चुके होते हैं। और वहां से वो अपने घर आता है। जब अरुण अपने रूम में जा रहा होता है, उसकी माँ उसे रोक लेती है और उसे सॉरी बोलने लगती है कि मैंने तुमको सुबह में डांटा था क्योंकि मैं तुम्हारे फादर को बहुत बहुत मिस कर रही हूँ। और अरुण की माँ अरुण से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम थोड़े दिन और रुक जाओ। और अरुण भी उसकी माँ की बात को मान लेता है। वो होने के बाद अरुण अपने बेडरूम में सोया हुआ होता है कि तभी पैडिंगटन भौंकना शुरू कर देता है। उसके भौंकने से अरुण की नींद खराब हो जाती है और अरुण विंडो के पास जाकर पैडिंगटन पर चिल्लाने लगता है, लेकिन वो कुत्ता भौंकता ही रहता है। अरुण कहता है, काश तुम चुप हो जाते, और अपने बेड पर आकर सो जाता है। जब सुबह होती है, एड्स अरुण का दरवाजा जोर से खटखटाने लगता है। अरुण दरवाजा ओपन करता है और एड्स उसे कहता है, ये तुमने क्या किया, मेरे साथ बाहर आओ तुम। अरुण को कुछ भी समझ में नहीं आता और एड्स के साथ बाहर जाता है कि वो देखता है कि पैडिंगटन मरा हुआ है। और एड्स अरुण पर ब्लेम करने लगता है, तुम ही ने इसको मारा है, तुम पहले दिन से ही पैडिंगटन को पसंद नहीं करते, इसीलिए तुमने मेरे कुत्ते को मारा। अरुण कहता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा, तुम मुझ पर क्यों ब्लेम कर रहे हो। लेकिन एड्स उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वो होने के बाद उसी दिन रात अरुण और लिसा एक शॉप के पास मिलते हैं और वहीं पर अरुण डेरिक की बात को छेड़ता है और लिसा से कहता है, डेरिक तुम्हारे लायक नहीं है, क्यों तुम उसके साथ डेटिंग कर रही हो, तुम चाहो तो उससे बेटर मिल सकता था तुमको। और इसी बातों ही बातों में लिसा उसके लिप्स के बारे में कमेंट करती है, यानी कि तुम हैंडसम नहीं हो, तुम्हारे फेस पर ऐब है। और लिसा की ये बात सुनकर अरुण बहुत अपसेट होता है और मन में कहता है, काश मैं भी हैंडसम होता। और रोड क्रॉस करने लगता है कि तभी एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है, यानी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और वो एक्सीडेंट करने वाला और कोई नहीं, उसका फ्रेंड टैरोन ही होता है। और टैरोन अरुण को हॉस्पिटल में भर्ती करता है। चूंकि एक्सीडेंट के कारण अरुण का फेस बिगड़ चुका होता है, तो उसके फेस पर डॉक्टर ने पट्टी बांधी हुई होती है। तो वहीं पर उसके पास टैरोन आता है, उससे माफी मांगता है। अरुण कहता है, इसमें तुम्हारी गलती कोई नहीं, ये सिर्फ एक जस्ट एक एक्सीडेंट है। और उसी बात में टैरोन ये भी कहता है कि डेरिक ने मुझे कल रात अरेस्ट किया था और वो कह रहा है कि मैं पी के गाड़ी चलाया, लेकिन मैं उस वक्त पिया नहीं था और डेरिक हमेशा से मुझे फंसाने का मौका ढूंढ रहा होता है। और यहाँ पर लिसा डेरिक को पूछती है, क्यों तुमने अरुण को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताया, हमारे बीच प्रॉमिस हुआ था ना, हम किसी को नहीं बताएंगे। और उसी में डेरिक कहता है, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, दो दिन पहले अरुण मुझे एक होटल में मिला था, मैं उसे सिर्फ हाय हेलो ही बोला था और तुम वो पियकड़ टैरोन की बात मानकर मुझ पर ब्लेम कर रही हो। यानी इन दोनों के बीच कुछ राज होता है, डायरेक्टर ने ढंग से नहीं बताया कि ये दोनों वाइफ एंड हस्बैंड है या ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। उसके बाद लिसा अरुण का हालचाल पूछने के लिए हॉस्पिटल आती है
और उसी में नर्स आकर उसके फेस के बैंडेजेस को हटा देती है और एरन अपनी फेस मिरर में देखता है। वो देखकर वो चौंक जाता है कि उसका जो ऐब होता है यानी जो कटा हुआ होठ होता है वो अब नहीं होता, उसका फेस बहुत परफेक्ट होता है, क्लीन हो चुका होता है। वो बहुत खुश होता है और ये खुशखबरी अपनी माँ को बताने के लिए घर जाता है, लेकिन उसकी माँ अपने हस्बैंड को लेकर बहुत दुखी होती है। वो उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकली। एरन अपनी माँ को समझाने लगता है और उसी में एरन की माँ एरन का फेस देखती है और वो भी बहुत खुश होती है और उसी में एरन कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, बस मैं तुमको खुश देखना चाहता हूं। और एरन की माँ कहती है, काश तुम्हारे फादर जिंदा होते तो तुम्हारा फेस देखकर वो भी खुश हो जाते। उसके बाद हमको ये सीन देखने को मिलता है जहाँ पर एरन अपने बाथरूम में ब्रश कर रहा होता है। जब वो वॉश करने के लिए नीचे झुका, जो मिरर वाला एरन होता है वो चिल्लाने लगता है, तो फिर झटके से एरन अपने बेड पे से उठता है, यानी वो एक बुरा ख्वाब था। और वही उसके शीशे के सामने अपने हाथ हिलाने लगता है कि ये सच है या झूठ है, चेक करने के लिए। तो जब एरन रेडी होकर नीचे आता है तो उसकी माँ बहुत खुश नजर आती है, वो म्यूजिक सुन रही होती है, अपने आप को सवार चुकी होती है और एरन को कहती है, तुमने सच कहा, जो गया वो गया, अब मैं मेरे प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। और एरन भी अपनी माँ के साथ डांस करने लगता है कि तभी लीसा वहाँ पर आती है ऐसे ही जस्ट चेक करने के लिए, और वहाँ से एरन और लीसा बाहर जाते हैं कुछ टाइम बिताने के लिए, और इनके बीच कुछ इमोशनल बातें होती है और इन दोनों के बीच एक किस भी होता है। तो उसके बाद एजुअल की तरह जर्मी एरन के लिए गांजा लाया हुआ होता है और ये दोनों कार में बैठकर स्मोक करने लगते हैं। और उसी में एरन जर्मी से कहता है, जब मैं हॉस्पिटल में था तुमने मुझे देखने नहीं आया। तो जर्मी कहता है, आई हेट हॉस्पिटल्स। उसके बाद जर्मी कहता है, मुझे वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। तो एरन देखने के लिए अपने गोडाउन जाता है कि वो देखता है उसकी माँ किसी के साथ डांस कर रही होती है और बहुत खुश भी नजर आती है। और एरन की माँ एरन से कहती है, एरन ये देखो मिराकिल, तुम्हारे फादर लौट आ चुके हैं। और एरन थोड़ा गौर से देखता है और एरन देखता है कि उसका फादर कुछ जॉम्बी टाइप लगता है और वो डर के मारे बाहर चला जाता है और फिर उसकी माँ को लेने के लिए अंदर जाता है और उसकी माँ कुछ अजीब सी बिहेव करने लगती है और एरन पर चिल्लाने लगती है कि तुम ही तुम्हारे फादर को मारा है। लेकिन एरन कहता है, माँ वो मेरा फादर नहीं है, वो कोई डीमन है। और उसकी माँ कहती है, जाओ तुम अपने रूम में जाओ। और वो वहाँ से बाहर चला जाता है कि वो देखता है कार में जर्मी नहीं है। तो उसे ये बात बताने के लिए एरन जर्मी के घर जाता है और जर्मी की माँ से कहता है, प्लीज आप जर्मी को बुला दीजिए, थोड़ा अर्जेंट बात करनी है। तो उसकी माँ कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, जर्मी को मरे हुए एक साल हो गया। वो बात सुनकर एरन परेशान हो जाता है, आप कैसी बात कर रहे हो, मैं अभी अभी उससे मिलके आ रहा हूँ। और जर्मी की माँ एरन को वहाँ से भेज देती है और एरन वहाँ से कब्रिस्तान जाता है कि वो देखता है जर्मी की खबर टूटी हुई होती है और वही साइट पर जर्मी बैठा हुआ होता है। एरन जर्मी से कहता है, कौन हो तुम, अपना असली चेहरा दिखाओ। लेकिन जर्मी कहता है, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, बचपन का फ्रेंड, तुम मुझे नहीं पहचानते। लेकिन जर्मी वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद एरन वहाँ से लीसा के पास जाता है और जो कुछ हुआ था वो सारा सब कुछ लीसा को सुनाता है। और उसी में एरन ये भी कहता है, वो कुत्ते का मरना, मेरा फेस ठीक होना और मेरी माँ खुश होना, ये सारा सब कुछ उस कलश की ही वजह से हो रहा है। और लीसा को इसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और उसको वो कलश दिखाता है। वो देखकर लीसा एरन को कोलिन के पास ले जाती है। तो कोलिन और एरन के फादर एंटिक का बिजनेस करते थे और एरन के फादर को लेकर कोलिन बहुत अफसोस करता है। और लीसा उस कलश को कोलिन को दिखाती है और उसके बारे में पूछती है और कोलिन एरन को कहता है, इसी की वजह से तुम्हारे फादर बीमार पड़े थे। और कोलिन उस कलश की हिस्ट्री बताता है। एंशिएंट के हिसाब से पुराने लोग कुछ आत्माओं को ऐसे कलश में बंद करते थे और इस पर कुछ मंत्र भी लिखते थे और ये ऐसी आत्मा होती है जो इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। और ये कलश इराक में पाया गया था और बाइबल में इन शैतानों को अनक्लीन स्पिरिट्स कहा जाता है और कुरान में जिन कहा जाता है। और इराक में जब भी खुदाई होती थी ऐसे कलश पाए जाते तो वहाँ के लोग उसे अछूत मानते हैं यानी श्रापित मानते हैं और कोई भी इसको छूना तक भी पसंद नहीं करता। और वही इराक से ही विलियम नाम का एक शख्स ये कलश लाया था और लाने के कुछ दिनों बाद ही
विलियम अपने पत्नी का कत्ल कर दिया और खुद की जबान को ही काट लिया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, अब तक ये राजी है, लेकिन उसकी बेटी बच गई। ये वही स्टोरी है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और एरान उस लड़की का पता पूछता है और कोलिन उस लड़की का पता दे देता है। और उसी दिन रात सडनली बारिश और जोर से हवा आना शुरू होती है और उसी तूफान में अनफॉर्चुनेटली एड्स की मौत हो जाती है, जैसा फाइनल डेस्टिनेशन मूवी में हुआ था। और दूसरे दिन विलियम की स्टोरी जानने के लिए एरान और लिसा लिनेट के घर जाते हैं और लिनेट अपनी कहानी बताना शुरू करती है। और स्टार्टिंग में जब मेरे फादर इस कलश को लाए थे, जब चोरी चुपके विष मांगा करते थे, मैंने उनको विष करते हुए सुना था। तो एक्चुअली मेरी माँ बाहर काम करती थी, तो अक्सर वो बाहर ही रहती थी, मेरे फादर के साथ बहुत कम टाइम बिताती थी। तो मेरे फादर विलियम ने एक विश की थी कि काश मेरी वाइफ दो होते, एक काम पर जाती, एक मेरे पास रहती। और उसी में मेरे फादर मेरी माँ का कत्ल कर दिया। और उसी में लिनेट एरॉन से पूछती है, क्या तुमने विश मांगा? एरॉन कहता है, हाँ मैंने विश मांगा। तो लिनेट कहती है, उसकी ताकत ही यही है, जब कभी भी तुम विश करते हो वो और ताकतवर बनता जाता है, और जब भी वो विश पूरी होती है तो वो जिन किसी ना किसी को ले लेता है और किसी ना किसी को यूज करता है अपने विश पूरे करने के लिए। तो इसीलिए उस जिन ने जर्मी को खबर से उठाया था ताकि एरॉन विश मांगने के लिए मजबूर हो जाए, और इन्हीं विष के कारण ही एड्स और उसकी कुत्ते की मौत हो गई। वो सुनने के बाद एरॉन लिनेट से हेल्प मांगता है और लिनेट उन दोनों को उसके फादर के पास ले जाती है, यानी वो कोई मेंटल हॉस्पिटल में होता है। चूंकि विलियम बोल नहीं सकता तो उसके हाथ में एक नोट पर दे देते हैं और विलियम एरॉन से पूछता है, तुमने अब तक कितने विष किए है? एरॉन कहता है, 4। फिर विलियम पूछता है, सोच के बताओ। एरॉन सोच के बताता है, 4 नहीं 5, पैडिंगटन पैसा, मेरा फेस, मेरी मॉम हैप्पी से रहना, और नंबर 5 मेरी मॉम ने विश की थी कि मेरे फादर फिर से आ जाए। और फिर विलियम पूछता है, जो भी हो तुम 7th विश मत करना, वो जिन तुमको उकसाएगा विश करने के लिए, लेकिन तुम कभी भी 7th विश नहीं मांगना। फिर एरॉन पूछता है, अगर मैं 7th विश मांग लिया तो क्या होगा? तो विलियम लिखना शुरू करता है, अगर तुम 7th विश मांगे तो यू लूज यूर सोल, यानी तुम्हारी आत्मा नहीं रहेगी। उसके बाद एरॉन और लिसा होटल आए होते हैं, वहाँ पर कुछ अजीब सी घटनाएं होना शुरू होती है, वो दोनों डर के वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर एरॉन की माँ अपने आप को संवारने लगती है उस डीमन से मिलने जाने के लिए। एरॉन और लिसा अपने घर आते हैं कि वो देखते हैं एरॉन की माँ मर चुकी है। वो होने के बाद एरॉन अपने घर में बैठा हुआ होता है अफसोस करते हुए कि तभी उसके सामने वो जिन आता है, और वो जिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखना शुरू करता है, कभी जर्मी के रूप में, कभी लिसा के रूप में, और कभी अपनी माँ के रूप में, और उसे उकसाने लगता है कि तुम और एक विश करो, लेकिन एरॉन वो विश नहीं करता। और उसी में एरॉन उस जिन से कहता है, तुम अपना असली रूप दिखाओ। तब वो जिन अपना असली रूप दिखाता है। तो ये होता है लो बजट का कॉस्ट्यूम। एरॉन अपने आप को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि तभी उसके घर पर डेरिक आता है और एरॉन को वार्न करता है कि तुम लिसा से दूर रहो। कि तभी एरॉन वो विश करता है, वो ये है कि डेरिक कभी भी लिसा को तंग ना करे। लिसा को बचाने के लिए एरॉन ने वो विश मांगी, लेकिन वो जिन की एक चाल होती है, वो असली वाला डेरिक नहीं, वो खुद जिन है जो उसे उकसाता रहा विश मांगने के लिए, और एरॉन उसके जाल में फंस गया और विश भी मांग ली, और वो जिन वहां से गायब हो जाता है। और उसके बाद लिसा एरॉन के पास आके कहती है, डेरिक ने तुम्हारा बेल रिजेक्ट करने का सोचा है, वो तुमको कल सुबह जज के सामने पेश करने वाला है। उसके बाद लिसा अपने घर आकर नहाती रहती है कि तभी डेरिक अपनी ड्यूटी खत्म करके आ जाता है, और उसके साथ ही टेरॉन भी वहां पर पहुंच जाता है और डेरिक की गन लेकर उसे धमकाने लगता है, और टेरॉन डेरिक को गला दबाने लगता है कि तभी लिसा वहां पर आकर डेरिक को बचा लेती है, और लिसा टेरॉन को घर जाने के लिए कहती है, और टेरॉन उसकी बात मानते हुए घर जाने लगता है कि तभी डेरिक टेरॉन के पैर पकड़ लेता है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसी हाथापाई में टेरॉन उसी गन से डेरिक को मार देता है। और उसी में टेरॉन लिसा को कहता है, मुझसे ये गलती से हो गया, लेकिन तुमने ही कहा था डेरिक के पास मेरे खिलाफ सबूत है। लेकिन लिसा कहती है, मैंने कब कहा, मैं तो तुम्हारे से बात किए हुए कई दिन हो गए। कि तभी वहां पर एरॉन आ जाता है उसे सारा सब कुछ समझाने के लिए, यानी उसने क्या विश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेरॉन के हाथ में गन होती है
और वो लीसा पर गोली चला देता है और लीसा वहीं पर मर जाती है। वो देखकर टेरॉन अपने आप को गोली मार लेता है। ये सारा सब कुछ देखकर एरॉन हैरान परेशान हो जाता है और एरॉन एक आखिरी विश करता है। वो ये है कि जब टेरॉन ने मुझे गाड़ी से मारा था, मैं बचने के बजाय वहीं पर मर जाऊं, यही मेरी विश है। तो वो जिन उसकी विश पूरी कर देता है और उसके बाद बैक टू द टाइम एरॉन वहीं पर ही मर जाता है। उस एक्सीडेंट के दौरान सीन कट होता है। उसके बाद दूसरे सीन में एरॉन अपने बेड से उठता है झटके से, जैसे वो कोई बुरा सपना देखा हो, और सेम पिछली सीन की तरह वो अपने आप को इधर उधर हिलाता है, यानी अपने आप को चक करने लगता है कि तभी मिरर में देखकर वो जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि बेड पर कोई भी नहीं होता। तो कुछ दिनों बाद एरॉन की माँ दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रही होती है तो अपने पुराने सामान बेच रही होती है कि तभी वहाँ पर लीसा आती है और वहीं पर एरॉन की माँ जाते जाते लीसा को ये कलश गिफ्ट के तौर पर देती है और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। अब आते हैं इसके एंडिंग पर। पुराने लोग ऐसे कलश में जिनको कैद किया करते थे, जिनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें अच्छे जिन भी होते हैं और शैतानी जिन भी होते हैं। जो शैतानी जिन होते हैं वो इंसानों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं और ये कलश इराक के खुदाई के वक्त मिला था और विलियम ने इसको यूज किया और सेवेंथ विश ना करने के लिए उसने अपनी जुबान काट ली। तो जब एरॉन विलियम से पूछता है अगर सेवेंथ विश मांगी जाए तो क्या होगा, तो विलियम कहता है तुम्हारी सोल खो दोगे। तो यहाँ पर यही हुआ, एरॉन की आत्मा उसी शीशे में कैद हो चुकी है।